हेलो गाइस, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि गाइस, हर इंसान को अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये हमारी स्किन पर किस तरह से साइड इफेक्ट्स दिखाएगी, क्रीम किस तरह से हमारी स्किन पर वह लाइटिंग दिखाई। तो गाइस, आज की वीडियो में जो क्रीम लेकर आया हूँ आज आपके लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम है। गाइस, आपने इसके वह गूगल पर सर्च भी करा होगा, आपने इसको देखा भी होगा, कई एड में देखा होगा, गूगल पर आपने इस क्रीम के बारे में जाना होगा कि इस क्रीम के बारे में ये किस में फायदेमंद करती है, सच में कार्य करती है या नहीं करती है। तो आज के वीडियो में इसकी डिटेल आपको मैं बता दूंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये आपकी स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सबसे बेस्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ और वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, किसी प्रकार का आपको भी सवाल है, किसी प्रकार कौन सा भी क्वेश्चन पूछना हो। तो गाइस, कोजवीट जेल हमारी स्किन को टोन को सुधारने में इस तरह से फायदेमंद करता है, जिससे हमारी स्किन को वह सही तरह से फायदेमंद रहे, स्किन जल्दी जल्दी लाइटिंग हो सके, स्किन किसी भी तरह का मेलेजमा, स्किन पे ऐसी कोई भी एग्जामा आ चुके तो वह बिल्कुल सही तरह से सुरक्षित हो सके। तो गाइस, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, कोजीविट प्लस क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो हमारी स्किन को बहुत तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे हमारी स्किन को वह मेलनीकरण होता है, वह मेलनीकरण जो घटक होता है उसको ब्लॉक करने में बहुत फायदेमंद करता है। वह ब्लॉक होने के बाद हमारी स्किन पर जल्दी जल्दी वह असर दिखाना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स है, जिससे हमारी स्किन पर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो सकता जो हमारी स्किन को बिल्कुल खराब कर सकता है। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, मेलनीकरण एक ऐसा प्रक्रिया जो हमारी स्किन को बिल्कुल खराब कर सकता है। अगर ये रुक जाता है तो हमारी स्किन बिल्कुल लाइटिंग बने रहे, स्किन पे ऐसी कोई समस्या आई नहीं जैसे आप परेशान हो सको। गाइस, अब बता देता हूँ इसके बारे में। और कोजीविट प्लस ऐसी इंग्रेडिएंट्स बनी है गाइस, जिसके अंदर स्किन लाइटनिंग एजेंट जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। गाइस, तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर कोजिक एसिड का यूज किया गया। कोजिक एसिड एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कोजिक एसिड डिप्लोमेट यूज किया गया। कोजिक एसिड डिप्लोमेट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको स्किन के लिए स्वस्थ अच्छी है, और जब ये डिप्लोमेट यूज किया जाता है तो गाइस, इस कोजिक एसिड से ज्यादा और वह शक्तिशाली बन जाता है, जिससे हमारी स्किन पे धीरे धीरे वह जल्दी स्किन पे जल्दी जल्दी वर्क करता है और स्किन को अच्छी तरह से लाइटिंग प्रदान करता है। बात करते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अंगूर का बीज है। अंगूर का बीज एक ऐसा बीज है गाइस, जो हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकता है, और इसके अंदर निकाले फ्लेवोनोइड से भरपूर है गाइस। ये फ्लेवोनोइड से भरपूर है, जिससे हमारी स्किन वह सही तरह से लोच को सुधारने और बनावट में वह सहायता करता है, जो हमारे स्किन के लिए अच्छी तरह से मेंटेन बनाने में बहुत फायदेमंद करता है। ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर ग्लाइकोल एसिड का यूज किया गया है। ये त्वचा के लोच और अनुभव में सुधार करता है और निशान में दूर करने में फायदेमंद करता है। जो हमारी स्किन पर दाग धब्बे आ चुके हैं, पुराने क्रीमों का हमने उपयोग करा है, उसके दाग धब्बे आ चुके हैं, तो ये हमारे लोच को सुधारता है, हमारे दाग धब्बों को बिल्कुल मिटाने में बहुत सहायता करता है। गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके चौथे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके अंदर आर्बुटिन का उपयोग किया गया। आर्बुटिन एक स्किन लाइटिंग और वाइटिंग एजेंट है, जो हमारी स्किन को लाइटिंग प्रदान करता है और हमारी स्किन को अच्छी तरह से महफूज में पोषण प्रदान करने में सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर शहतूत निकाल का अर्क उपयोग किया। शहतूत एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है गाइस, जो सफेदी के लिए सबसे बहुत फायदेमंद करता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा है गाइस। ये शहतूत का जो अर्क है अच्छी तरह से निकाला जाता है और हमारी स्किन को सफेदी प्रदान करता है, स्किन पर मेलेज्मा है तो उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखने में सबसे अच्छा है। वे इसके अंदर विटामिन ई का उपयोग किया गया। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में गिना जाता है गाइस। ये हमारे स्किन के बनावट में सुधार करता है, जिससे हमारे स्किन की अच्छी तरह से लोच में सुधार हो, स्किन के टोन में सुधार हो, स्किन के अंदर किसी प्रकार कौन सी भी समस्या आ सके उसके अंदर सबसे अच्छी तरह से हेल्प करता है, जिससे हमारे स्किन पर किसी प्रकार कौन सी भी प्रॉब्लम आने से पहले भी ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं उससे ही अच्छी तरह से मेंटेन बनी रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके यूज के बारे में। गाइस, इसकी यूज करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है गाइस। आप इसको नाइट में सोते समय यूज करोगे गाइस, तो ये आपकी स्किन पे धीरे धीरे अच्छी तरह से मेंटेन बनी रहेगी और आपकी स्किन पे इस तरह से वर्क करेगी कि आपकी स्किन वह पहले से जो ज़्यादा खराब हो चुकी है तो उसको धीरे धीरे सुधारने में बहुत फायदेमंद करने वाली। इसको नाइट में सोते समय अच्छे फेस वॉश आपकी स्किन को वह धोने के बाद इसको नाइट में सोते समय धीरे धीरे हल्के हाथों से
रफ कर रहा है गाइस, जिससे आपकी स्किन पर धीरे धीरे ये समा जाए और आपकी स्किन को अच्छी तरह से स्किन लाइटिंग बना सके, स्किन टोन में सुधार कर सके गाइस। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके बेनिफिट के बारे में। ये कि ऐसे एजेंट में इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है गाइस, और आपकी स्किन को अच्छी तरह से मेलेजमा, स्किन के किसी प्रकार कौन सी भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छी तरह से फायदेमंद कर सके गाइस। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं गाइस। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो मिनिमम आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स है, वे एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते, फिर भी अगर आप अच्छे डॉक्टर की सलाह से इसको यूज करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपकी स्किन देख के बता देंगे कि आपकी स्किन किस तरह से है और आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में आपको मैंने इसकी डिटेल्स आपको वह रिव्यू बता दिया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।